हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत की आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब दिया। कंगना रनौत ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। महिलाओं के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से भी बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं इस मामले में मंडी से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने उस विषय पर जवाब दिया है। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, हमारी बैठक होगी, इसके बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगी। कंगना ने आगे कहा कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना कष्टदायक है। ने जो है उस पर रिएक्शन दिया है, मेरी जो है मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी में चुनाव लड़ने में हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर।